दुनिया में तीन व्यू होते हैं, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू एंड आई। गाइस आज मैं ज्वाइन करता हूँ बॉयज ओनली एसएमपी एज अ गर्ल, मतलब कि गाइस आज मैं एक बॉयज ओनली एसएमपी के अंदर जाऊंगा लेकिन लड़की बन के। एंड गाइस आज जो इस वीडियो के अंदर इतनी ज्यादा फनी चीज हुई ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, आप पूरी वीडियो को जो एंड तक देखना आपको पता चल जाएगा यार कितनी अच्छी अच्छी चीज हुई। मेरे को जो बताते हुए भी हंसी आ रही है, आप देखोगे तो यार हंस हंस के पागल हो जाओगे। सो इसलिए जो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके गाइस यार मैं फाइनली जो अभी एक बॉयज ओनली सर्वर के अंदर एंटर हो रहा हूं। वेट, अबे स्पॉन पॉइंट के पास यहाँ पे एक प्लेयर घूम रहा है। एंड गाइस यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी मस्त एसएमपी बना रखी है। एंड इस प्लेयर का क्या नाम है, कैंगरू। ओके आई थिंक इस एसएमपी का बॉडीगार्ड लिख रहे हैं। फिट ये क्या लिख रहा है, वाओ, मतलब आई थिंक इन्होंने पता चल गया कि यार इनके एसएमपी के अंदर पहली बार कोई लड़की आई है। एंड मतलब देखते ही शुरू हो गया यार, क्या बोले इनको, बट कोई ना, फिट रॉकेट्स है यहाँ पे। एंड ये क्या लिख रहा है, ये लड़की कौन है, क्या बोलूं मैं तेरे को यार। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको, ये कह रहा है वाओ ब्यूटीफुल, मैं काम करता हूँ इनको, हाय यू आर ब्यूटीफुल। अबे रुक जा भाई, इनको हाय लिख देते हैं, गाइस देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होने वाला है। एंड इसने अपना पूरा आर्मर भी उतार दिया कैंगरू ने। एंड यहाँ पे मिस्टर पेरिलस, ओके तो यहाँ पे दो प्लेयर है। कैंगरू क्या लिख रहा है, आ जाओ घर पे। अबे मतलब आते ही क्या, मतलब ये इतनी फ्रेंडली कैसे हो गई, रात हो गई है। ओके आई थिंक ये मेरे को जो बेड देना चाहते हैं। एंड पैलेस क्या कह रहा है, आई हैव कुक्ड मीट। ओके ये कुक्ड मीट दे रहा है। एंड वेट ये कैंगरू इस मिस्टर पैलेस को मार रहा है, देन यू कैन हैव मीट बेड। भाई मेरे को बेड दे दो भाई, मैं कब से मैसेज कर रहा हूँ, मेरे को बेड दे दो। हैव डायमंड्स एंड वेट, इसने मेरे को डायमंड्स दिए एंड मिस्टर पैलेस ने कैंगरू को मार दिया। शाबाश बेटा। अबे यार ये लड़की के पीछे यार कितना लड़ रहे हैं दोनों में, इसको क्या करता हूँ, थैंक्स लिख देता हूँ, इसने मेरे को जो डायमंड्स दिए हैं। ये क्या लिख रहा है, एट योर सर्विस क्वीन। भाई पेरिलस मत को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। कैंगरू क्या लिख रहा है, इसको बदला लूंगा। मतलब यार एक लड़की के पीछे दोनों फ्रेंड्स कैसे लड़ रहे हैं यार। ये क्या लिख रहा है, कैंगरू आ जा मेरे घर पे। हाँ आ जाऊंगा बट यार पेरिलस आई विल प्रोटेक्ट यू, मतलब पेरिलस बोल रहा है मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। अभी पेरिलस के पास गाइस बेड तो था नहीं, सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं कैंगरू के साथ जाऊं क्योंकि यार ये मेरे को जहाँ पे पावरफुल बंदा लग रहा है, मेरे पास बेड है। ओके तो फाइनली जी, और पेरिलस के पास तो बेड है नहीं, कैंगरू के पास बेड है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, सबसे पहले यार फाइट ना करो क्योंकि दोनों मतलब आते ही लड़ना स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात नहीं है, दोनों लड़ो मत। हैं ये क्या हुआ, नौकर पेरिलस इस कैंगरू का नौकर है क्या, हेलो ये कब हुआ बे। अबे पेरिलस तो इस कैंगरू का नौकर है। एंड भाई ये कैंगरू पता नहीं मेरे को इतने सारे डायमंड्स क्यों दे रहा है, डायमंड्स पर डायमंड्स दे ही जा रहा है मेरे को, ऑलरेडी इसने 29 डायमंड्स दे चुका है। ये क्या कह रहा है, कम विद मी। ओके तो ये मेरे को बोल रहा है कि इसके साथ अब वी विल हैव फन। बेटे क्या लिख रहा है कैंगरू, रहा नहीं जाता, आई हैव बेड होम एवरीथिंग। ओके तो ये मेरे को जो हेल्प करना चाहते हैं। एंड वीट ये ऐसे डायमंड्स फेंकता हुआ क्यों जा रहा है, जैसे कोई चिकन को मतलब सीड फेंकता हुआ जाता है। अबे ओ भाई मैं कोई पालतू मुर्गी नहीं हूँ जो तू मेरे को सीड की तरह डायमंड फेंक रहा है। भाई ये मेरे को किसी ट्रैप में तो नहीं फंसाना चाह रहा गाइस, हेलो भाभी को नमस्ते करो। अबे क्या बोल रहा है यार ये, हेलो भाई मैं भाई मैं लड़का हूँ। बंदा कमाल क्या यार, पेरिलस की भाभी। अबे ओ ओ भाई, ओ भाई गजब टू बी वाजा भाई, थमा 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 थमा, इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा। पैलेस इसको बोल रहा है यू बास्टर्ड। भाई पैलेस को गुस्सा आ रहा है कि यार ये मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। कोई ना गाइस आई विल गो आउट योर आई। पैलेस इसको धमकी दे रहा भाई, अब इनकी मेरे को लग रहा है भाई लड़ाई बजने वाली है। एक लड़की के पीछे इनकी लड़ाई बज गई एसएमपी के अंदर। हेलो भाई इतने अच्छे फ्रेंड्स हो तुम दोनों यार, ऐसे लड़ो तो मत एटलीस्ट यार। चलो कोई ना गाइस, मेरे को तो यहाँ पे इनकी लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं इनको लिख देता हूँ, जो भी पीवीपी जीतेगा मैं उसकी फ्रेंड मानूंगी। क्या सोच है रे तेरी, देखते गाइस इनमें से कौन पीवीपी जीतने वाला है, क्योंकि अब इनमें से पक्का कोई ना कोई एक मरने वाला है। क्योंकि यार लड़की अगर किसी लड़के की फ्रेंड बने और उसको कुछ भी बोले तो पक्का कुछ ना कुछ कर देगा भाई, मेरे को ऐसे इतना विश्वास है। अभी देखो इनकी दोनों की पूरी लड़ाई बची हुई है। एंड पेरिलस वहाँ पे डर के भाग गया क्या, वेट पेरिलस नहीं, अरे भगोड़े मर्द की तरह लड़। अच्छा जो ये कंगारू था पेरिलस से बेचारे से डर के भाग गया। यहाँ पे इनकी दोबारा लड़ाई बजी पड़ी है। अब ये पता नहीं क्या कर रहा है कैंगरू, साले तू भाई 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 भाई, अभी इन वर्ड्स का प्रयोग ना करे भाई, इतना ज्यादा मतलब इनकी लड़ाई बच गई है। 12 seconds later पैलेस ऊपर है एंड नीचे कैंगरू के साथ लड़ाई बजी पड़ी है। भाई कितनी तकड़ी फाइट चल रही है, मर्द की तरह लड़। अभी मेरे को तो ये देखना कि इनमें से जीतता कौन है भाई, मेन वो है, इनको लड़ाई करते हुए देखने मजा आ रहा है। अबे पेरिलस मर गया यार, हेलो ये क्या था, बेचारा पेरिलस मर गया। ओ भाई
ये कैंगरू ने पेरलस को मार दिया, तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ कि ओके मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो गाइस मैंने इसको लिख दिया, वेट भाई इतने सारे डायमंड्स इसके पास है क्या? इसने मेरे को ऑलमोस्ट 2 stacks डायमंड के दे दिए गाइस, हाउ इज इट पॉसिबल यार? यहाँ पे पैलेस बेचारे यहाँ पे उदास सा खड़ा हुआ है, एंड मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। ओ भाई क्या 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 लिख रहा है ये पहले, एंड अभी ये मेरे को मारने वाला। पैलेस भाई थाम्बा रुको यार, ये पैलेस मेरे को मारने के पीछे पड़ा। मत मार यार पैलेस, देख ऐसे तो ना कर यार, एटलीस्ट यार ये पैलेस मेरा पीछा नहीं छोड़। मैं हाफ वॉट पे बचाऊ यार, खाना खा लेता हूँ। मार दिया तो उसने यार भाई। अच्छा इनकी SMP के अंदर कीप इन्वेंटरी ओन, आई थिंक मेरे पास सारा सामान वापस आ गया था अभी। सो गाइस यार पैलेस से मेरे को अभी बच के रहना होगा, एंड अभी जो कैंगरू आ चुका है ये जो मेरे को पैलेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं मेरे को दोबारा ना मार दे। एंड इनके बीच में कोई डील हो चुकी है जिससे पैलेस मेरे को मार नहीं रहा है, एंड यहाँ पे जो पैलेस ने इनसे टूल्स लिए हैं एंड आर्मर लिया है। एंड गाइस अभी यहाँ पे पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे हैं, पैलेस इसको दोबारा वापस जो आर्मर दे रहा है। भाई साहब हेल्पफुल कर लेता हूँ। अरे भाई थैंक यू। अबे वापिस क्यों ले लिया अबे जब देना ही नहीं था तो वापिस क्यों लिया अबे? चाहिए हाँ यार ऑब्वियसली। तो ये कम लिख रहा है ओके, तो इनकी मतलब कोई शर्त है तभी मेरे को देने वाला है। चल भाई देखता हूँ मेरे को किस शर्त पे देने वाला है। अगर मेरे को नेदरराइट का आर्मर मिल गया तो बहुत ही मजे आ जाएंगे। इधर आओ ओके, तो मैं इसके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है ये। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। आई थिंक ये कंगारू का ये वाला घर है, घर तो मतलब ठीक ठाक सा, बट इसके ऊपर नेदरराइट का बीकन है। ये कह रहा है आ जाओ, तो ओके भाई मैं इसके पीछे चलता हूँ। पैरलेस नौकर बाहर रुक। अबे पैरलेस इस कंगारू का नौकर है क्या भाई? मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बार बार इसको नौकर बोल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डर्ट क्यों रखा, इसको तोड़ देते हैं। ओके तो ये डर्ट का ब्लॉक टूट गया यहाँ से, ये क्या कर रहा है यहाँ से, ये इतने सारे प्लैंक से कवर क्यों कर रहा है? ओके तो यहाँ पे मेरे को ये कुछ सामान देने वाला है। उबे इतनी सारी एरोस भाई, यहाँ पे इतना मस्त सामान है, मैं ले लेता हूँ जितना मेरे से सामान लिया जा रहा है। भाई मेरे पास एक्स भी आ गए, बट यार हम दिन में कैसे सोएंगे यार? इसको लिख देता हूँ, इसमें तुम पागल हो क्या? दिन में हम कैसे सो सकते हैं यार? क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं भाई? मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर, पैलेस नीचे खड़ा है। एंड वेट ये मेरे को मार क्यों रहा है भाई? हेलो ये कंगारू भाई गुस्सा हो गया मेरे से। वेट अभी इनकी दोबारा PvP स्टार्ट हो गया भाई, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कभी ये कुछ कर देते हैं। भाई तुम लड़ो, तुम आपस में लड़ते रहो। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और मैं अभी क्या करने वाला हूँ इनकी SMP के अंदर जो लूट करने वाला हूँ। वेट यहाँ पे जो है मैकडोनल्ड्स बना रखे है इन्होंने। हेलो वेट यहाँ पे इन्होंने मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे कितना सारा सामान पड़ा है। ओ यहाँ पे चिकन पड़ा है, काफी सारा कुकड, वो भी भाई मेरे को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। एंड अपना खाने का सामान नीचे रख लेते हैं। एंड और क्या पे यहाँ पे, वेट यार इन्होंने ये क्या बना रखा है भाई? मैकडी होती है क्या? SMP के अंदर मैकडी बना रखी है इन्होंने, बट कोई नहीं यहाँ पे और भी काफी सारी चेस्ट रखी है इनके अंदर, देखते क्या है। प्रिंसेस क्या कह रहे हो? ओ भाई साहब नेदरराइट का आर्मर में क्या कर रहे थे, सारी चीजें ले लेते हो भाई, ये तो मेरे को चाहिए था। तो गाइज मैं अभी क्या करता हूँ, सारा नेदरराइट का आर्मर पहन लेता हूँ कम्प्लीट। अभी ये क्या है सुनो, क्या बोल रहा है भाई? हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा था तू अभी वहाँ पे? अभी क्या दिक्कत हो गई तेरे को? क्या कुछ तो क्या हुआ ये, कुछ क्या है? दुनिया में 3 व्यू होते हैं। ओके भाई दुनिया में 3 व्यू होते हैं, कुछ बोलना चाह रहा है मेरे को, आई थिंक शायरी मार रहा है। ओके फर्स्ट व्यू, ओ लड़की के ऊपर शायरी मार रहा है। ओके सेकंड व्यू, एंड और तीसरा व्यू कौन सा होता है भाई, क्या बोल रहा है? एंड आई ओ भाई सही खेल गया। ओ भाई कंगरू भाई अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, थोड़ा सा रुको यार मैं लड़का हूँ। भाई क्या बोलूं मैं यार, ये बंदा क्या क्या बोल रहा है यार, इसका मतलब गाइस भाई मतलब इतने मजे आएंगे ये लो। चलो गाइस मैं भी इसका थोड़े से मजे लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ अभी इसको मैं लिख देता हूँ आई लव यू टू, देखते हैं भाई इसका क्या रिएक्शन होने वाला है। भाई ये खुशी से पागल हो जाएगा, मतलब भाई यार पैरलेस भी आ गया अभी यहाँ पे इनकी, मतलब मेरे को लग रहा है अभी इनकी दोबारा फाइट होने वाली है। भाई मैं इनके बीच में से हट जाता हूँ, कहीं मेरे को भी बीच में ना लपेट ले। तुम लड़ते रहो भाई, पैरलेस उसके ऊपर एरो से शूट कर रहे हैं, देख पैरलेस भाभी तेरी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। भाई ये कैंगरू भाई इतना मस्त बंदा है ना, सच्ची भाई इतना मस्त कंटेंट निकलवाया इसने आज, बहुत ज्यादा मजे आ गए। एंड इनके यहाँ पे दोबारा फाइट हो रही है, लड़ो मत गाइस। देखो अभी जो मैं इनको बाहर लेके आ चुका हूँ, अभी मैं इनसे देखो गाइस पैलेस और इससे काम करवाने वाला हूँ। देखो मैं अभी इनकी SMP को कैसे लेता हूँ, इसको जो कंगारू है मेरी सारी बात मान रहा है, मैं इसको बोल रहा था तुम्हें एक लास्ट काम करना है। देखते गाइस ये मेरी बात मानता है नहीं मानता, अभी देखते इसका क्या रिप्लाई आता है। जी अबे भाई साहब इज्जत दे रहा है भाई मेरे को, आज तक इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी। चलो कोई ना अभी इसको देखते हैं। इसको मैं क्या कहता हूँ, मिस्टर पैरलेस को बैन करो, एंड लेट्स सी गाइस क्या सीरियसली मिस्टर पैरलेस को बैन करेगा या नहीं करेगा। ओके लेट्स सी गाइस मिस्टर पैरलेस को बैन करो, अगर इसने मिस्टर पैरलेस को बैन कर दिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा इस SMP के ऊपर टेक ओवर करना। अब इनके यार दोबारा लड़ाई बच गया, अब मैंने इसको बैन करने के लिए बोला था ना कि इसको मारने के लिए। गाइस देखते हैं क्या ये इसको बैन करता है या नहीं करता। वेट ओ भाई
मिस्टर पैलेस को भाई मतलब यार इतना इजी होगा इस एसएमपी को टेक ओवर करना, भाई मेरे को नहीं पता था। तो मैं इसको यहाँ पे एक लास्ट काम बोल देता हूँ। अब इसको मैं भाई देखो एक मस्त सी ट्रिक लगाने वाला हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक लास्ट काम और बचा है, एक लास्ट काम और करना है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि मेरे को जो एसएमपी का ओनर बना दो। लेट्स सी गाइस, अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेरे को एसएमपी का ओनर बना दो। अभी गाइस मेरे को देखना है क्या ये मेरे को एसएमपी का जो ओनर बनाते हैं, अभी कहाँ चला गया अभी ये, हेलो कहाँ चला गया ये बंदा। ओ ये अपने घर के अंदर गया, आई थिंक ये इस वाल ये घर था क्या इसका, नहीं 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 ये इसका घर नहीं था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड वेट, इसने मेरे को एसएमपी का ओपी बना दिया। यस मैम, ओ भाई सीरियसली गाइस इसने मेरे को एसएमपी का ओनर बना दिया यार, ऑपरेटर बना दिया इसने मेरे को। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी बैन कर देता हूँ, स्लैश बैन कैंगरू। हां भाई कैसी लगी